हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं IIT JEE MSc मैथमेटिक्स का 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम कुछ वीडियोज बनाएंगे और वीडियो टू वीडियो हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सीक्वेंस SN ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाई SN बराबर पाई बाई टू अपॉन 1.2 प्लस सॉरी साइन पाई बाई टू अपॉन 1.2 प्लस साइन पाई बाई टू स्क्वायर टू टू डॉट थ्री प्लस डॉट डॉट साइन पाई अपॉन 2n एन डॉट एन प्लस 1 इज। अब ऑप्शन है अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस, नॉट अ कोची सीक्वेंस एंड अ कोची सीक्वेंस, ये हमारे पास पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास SN है, तो इस कंडीशन में हम SN को और किस तरह से लिख सकते हैं। SN को लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू की पावर एन अपॉन एन डॉट एन प्लस 1। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर हम देखते हैं ऑफ SN, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू लिमिट समेशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई सॉरी साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर एन अपॉन और जो एन कोस तक एन प्लस 1, यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो गया साइन। और फ्रेंड्स, इसको हम ठीक से लिखने के लिए जगह देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन टू द पावर एन अपॉन और ये है हमारे पास एन डॉट एन प्लस 1। तो हमने क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे पाई अपॉन 2n का नीचे डिवाइड कर लिया, तो नीचे डिवाइड कर लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पाई डॉट 2 टू पावर n। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो साइन पाई अपॉन 2n अपॉन पाई अपॉन 2n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई अपॉन टू दी पावर एन अपॉन एन डॉट एन प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर देखें तो ये है हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये टू दी पावर एन है, ये भी एन है, ये है हमारे पास 0, तो ये टेंस टू 0। तो यहाँ हो गया हमारे पास लिमिट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ SN इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास क्योंकि nth जो जो टर्म थी वो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो यहां से हम कह सकते हैं SN जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो SN हो गया हमारे पास यहाँ से अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और हम जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो कोची सीक्वेंस होता है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इम्प्लाइज कोची सीक्वेंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कोची सीक्वेंस है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है लेट पी बी आर वेक्टर स्पेस ओवर आर ऑफ ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 1 विद रियल कोएफिशिएंट, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये है ये हमारे देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एम ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स यू सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये है हमारे पास, तो हमारे पास ये हमारे पास ले लिया
टी एट वन यानी इस वन के लिए अगर देखें तो ये क्या है हमारे पास, टी एट वन इसको क्या लिख सकते हैं, टी वन प्लस ए जीरो को 0x + 0x² प्लस 0x³, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको कहाँ पे अप्लाई करेगा, a3 + a2x + a1x² + a0, तो ये हो गया हमारे पास 0 + 0x + 0x² + x³। इसी तरह से जब हम टी एक्स की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं टी, और ये लिख सकते हैं 0 + x + 0x² + 0x³, तो ये मैप करेगा हमारे पास 0 प्लस, यहाँ पे देखो 0x + x² + 0x³, और इस तरह से टी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास मैप करेगा 0 + x + 0x² + 0x³, एंड टी एक्स क्यू जो मैप करेगा वो करेगा हमारे पास यहाँ इसके अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स ये करेगा हमारे पास यहाँ से ये करेगा हमारे पास 1 + 0x + 0x² + 0x³, ये यहाँ पे मैप करेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एम, तो एम को यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एम बराबर ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखें तो 0 0 0 0 पहले में देख रहे हैं, 0 0 0 1, तो ये हो गया हमारे पास 0 0 0 1, इस तरह से 0, और ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 और 1, जीरो एंड जीरो, और ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स लास्ट में बच गया। अब चूंकि ये बचा है हमारे पास लास्ट में, तो यहां से अगर देख सकते हैं ये हमारे पास एम है। अब इसको हम एम स्क्वायर अगर करें, एम स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो एम स्क्वायर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 0 0 1, और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0, ये, और इसी तरह से यहाँ से 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 सॉरी 0 1 0 और 0, और यहाँ पर भी हमारे पास ये जगह 0 1 0 0 0। जब फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो एम आएगा वो एम आएगा, यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, जो मल्टीप्लाई पे आएगा वो आएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 सॉरी यहाँ पे बनाएगा यहाँ 0 1 0 0 एंड 1 0 0 0, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहाँ से हमारे पास हो गया एम स्क्वायर माइनस i4, क्योंकि 4 का 4 क्रॉस 4 का है, तो एम स्क्वायर माइनस i4 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन एम स्क्वायर बी बी है, एम स्क्वायर माइनस i4 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।